देखो लास्ट टाइम हमने स्टैंडिंग वेव किया, स्टैंडिंग वेव के अंदर हमने तीन केस किए, नोड्स एंटी नोड्स। स्टैंडिंग वेव जो जो बनी उसके अंदर नोड्स एंटी नोड्स बने। तो हमने फर्स्ट केस किया व्हेन स्ट्रिंग इज टाइड एट बोथ द एंड्स, पहला। दूसरा केस किया जब एक पाइप है, एक एंड बंद है एक एंड क्लोज है। और तीसरा केस किया जब दोनों एंड पाइप के ओपन है। तीन केस किए। जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, खिंची हुई रस्सी है, उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला किया था। इसके अंदर करेक्शन कर लो, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग कर लो, इसे स्ट्रेच स्ट्रिंग करेक्शन करो। शीट नंबर 189। शीट नंबर 189। तो इसके अंदर ये हमने फॉर्मूला किया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। आपकी बुक्स में ना कुछ लॉज गिवन होते हैं, लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, जिसमें ये बताया जाता है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ, बाकी फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो ये इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास। फिर दूसरा इसमें यह बता रखा है कि अगर आप एक सिलेंड्रिकल वायर लें, जैसे कोई भी एक वायर है जिसको स्ट्रेच करके रखा हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो डी है, तो एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसमें लेंथ की वैल्यू क्या है, मान लो 1, इसमें लिखा हुआ यूनिट लेंथ कंसिडर करो। तो ऐसे केस में एम का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ में सबसे पहली चीज मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। पर क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को नीचे ले आए यहां पर एल, तो ये क्या बन जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे होगा ना, क्योंकि मास क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम का जो लेंथ है वो नीचे आ गया, तो अपने आप क्या बन गया, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला बन गया। तो आप अपने उस फॉर्मूले में m की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहां से l और d बाहर आ गया। तो ये है लॉ ऑफ डायमीटर और ये है लॉ ऑफ डेंसिटी, राइट। तो ये रूल्स हैं।